वक्त आ गया एक और नए ब्रांड का रिपोर्ट कार्ड देने की, और आज बारी है वीवो की। खाली वीवो के नहीं, वीवो का सब ब्रांड भी साथ में आएगा, वो है आईक्यू। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन, और वक्त हो चुका है आपके सामने एक और नया रिपोर्ट कार्ड देने का, जहां पर होगा आईक्यू प्लस वीवो का कॉम्बिनेशन रिपोर्ट कार्ड, क्योंकि आईक्यू जो है वीवो के सब ब्रांड है। और इसे मेरा साथ देंगे नंद गोपाल राजन, जो कि हैं एडिटर इंडियन एक्सप्रेस ऑनलाइन के, और साथ ही साथ निमेश दुबे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं रिपोर्ट कार्ड, लेकिन उससे पहले एक बार ट्रूकॉलर से बात कर लेते हैं और उनसे पूछते हैं, भैया आपका जो ऐप है हमसे एक्सेस मांगता है कॉन्टैक्ट्स का, वो आपको क्यों चाहिए, थोड़ा इस पे रोशनी डालिए। गुड क्वेश्चन अगेन संदीप। ट्रूकॉलर इज एक्चुअली अ डायलर एप्लीकेशन, तो आप ट्रूकॉलर के थ्रू किसी को कॉल भी कर सकते हैं। तो फॉर दैट रीजन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि ट्रूकॉलर को कॉन्टैक्ट्स एक्सेस क्यों चाहिए, क्योंकि आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में से किसी एक नंबर को सिलेक्ट करके डायल कर सकते हैं, तो द ऐप रिक्वायर्स कॉन्टैक्ट एक्सेस फॉर दैट। सेकेंड रीजन इज जब आपको इनकमिंग कॉल आ रही है, अगर वो नंबर आपके कॉन्टैक्ट्स में सेव्ड है तो ट्रूकॉलर को उसको उस नंबर को सर्च करने की जरूरत नहीं है। सो इट विल शो जो आपके कॉन्टैक्ट्स में नेम सेव्ड है वही नेम शो होगा। दैट इज द सेकेंड रीजन फॉर कॉन्टैक्ट एक्सेस। थर्ड रीजन फॉर कॉन्टैक्ट एक्सेस इज ट्रूकॉलर कैन डू अ सर्च, या तो आपको इमेज सर्च कर सकते हैं, ट्रूकॉलर ऐप ओपन करके कैमरा यूज करके यू कैन सर्च इमेज, एक नंबर आपको कहीं भी दिखा, बिलबोर्ड पे, गाड़ी पे, एडवर्टाइजमेंट पे, आप उसको सर्च कर सकते हैं, एंड विद वन टैप आप उसको सेव भी कर सकते हैं। आपको उसका नाम, बिजनेस का नाम, पर्सन का नाम, यू डोंट हैव टू टाइप इट, यू कैन सेव इट। तो ट्रूकॉलर के थ्रू अगर आप सेव कर रहे हैं अपने कॉन्टैक्ट्स में, द एप्लीकेशन नीड्स कॉन्टैक्ट एक्सेस। So friends, अप्रूव करते हैं आज के पहले सेगमेंट की, और वो है नंबरों का खेल। Vivo भारतीय मार्केट में दो ब्रांड्स के अंडर अपने फोन्स बेचता है, एक है Vivo और दूसरा है आईक्यू। तो आज हम दोनों के नंबर्स की बात कर लेंगे। दोनों ब्रांड्स ने जो है Vivo और आईक्यू, इन लोग ने 2021 में क्या किया, तो सबसे पहले नजर डालते हैं Vivo के नंबर्स के ऊपर। Vivo ने इस साल में 2021 में 22 मॉडल्स लॉन्च किए, और अगर सब वेरिएंट्स की बात कर लें तो कुल मिलाकर उन लोगों ने लॉन्च किए 28 फोन। और वहीं अगर हम प्राइस की बात कर लें तो अंडर 15,000 सेगमेंट में उन लोगों ने 6 डिवाइसेस लॉन्च किए, जो कि बन के आते हैं 21%। और उसके बाद 15 से 30,000 के बीच में उन लोगों ने लॉन्च किए भारतीय मार्केट में 12 फोन, जो कि है 43% ऑफ देयर डिवाइसेस। वहीं अगर बात करें 30 to 45 का जो प्राइस सेगमेंट है, उसमें उन लोगों ने 6 डिवाइसेस लॉन्च किए, जो कि बन के आता है 21% ऑफ देयर डिवाइसेस। वहीं अगर 45 में अबाव की बात करें तो वहां उन लोगों ने इस साल में 4 डिवाइसेस लॉन्च किए हैं, जो कि बन के आता है 15% ऑफ डिवाइसेस। अब रुक करते हैं आईक्यू की तरफ। आईक्यू ने भारतीय मार्केट में 4 मॉडल्स लॉन्च किए, और अगर उनके सब वेरिएंट्स को भी इंक्लूड कर लें तो वो नंबर आता है 10। और अगर प्राइस की बात कर लें तो 15 to 30 की रेंज में उन लोगों ने 5 डिवाइसेस लॉन्च किए, और वहीं 30 to 45 की रेंज में उन लोगों ने 5 डिवाइस लॉन्च किए, यानी कि दोनों का 50-50% मार्केट शेयर, यानी 45 से ऊपर नहीं गए और 15,000 से नीचे नहीं गए। और वहीं अगर हम दोनों का मिली जुली सरकार की बात कर लें, Vivo प्लस आईक्यू के क्या नंबर आते हैं, तो इन दोनों ब्रांड्स को मिला के मिलता है 26 फोन, और जो टोटल वेरिएंट्स हैं वो बन के आते हैं 38, यानी कि हाफ सेंचुरी का मार्क जो है वो क्रॉस नहीं किया। फ्रेंड्स, नंबरों के खेल के बाद बात करते हैं हिट्स एंड मिसेस की, लेकिन उससे पहले मीडियाटेक से थोड़े बात कर लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि आजकल हम उनके थोड़े कैंपेन्स देख रहे हैं, कुछ आउटडोर लोकेशन से भी देख रहे हैं, कुछ ऑनलाइन कैंपेन्स भी देख रहे हैं। ये जो कैंपेन करते हैं, इसका मतलब क्या है, आइडिया क्या है, क्या करना चाहते हैं, अवेयरनेस करना है, क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर कुछ और? At MediaTek, we have been devising several brand campaigns to effectively communicate our messaging in the simplified yet engaging manner. A recent example of Incredible In, Incredible Out campaign, which highlights what we put into our Dimensity 5G chipsets, shapes the incredible experiences you get out of it. Be it a smart camera, or videography, or 5G wherever it's available, or it's about amazing gaming experience. At MediaTek, we bring 5G to devices everywhere. It's just not about smartphones, but PC, routers, Chromebooks, hotspots, and many more. Thank you. So, Nandu, Vivo IQ combination, इनका आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से 2021 में इनका strong point क्या था या hit क्या था? Hit तो वही Oppo Vivo के साथ ये कि एक position में है
वो जहाँ से गिरना बहुत आसान है, स्पेशली इन मार्केट जहाँ पे कॉम्पिटिशन इतना हाई है, रियलमी जैसे ब्रांड नीचे से आ रहा है, तो इन्होंने दोनों ने मेंटेन किया है, वीवो ने भी मेंटेन किया है। वीवो को मुझे लगता है कि थोड़ा सा टेंशन है, इसलिए आईको को वापस लेके आया है। बिल्कुल टेंशन तो है, लेकिन निमिष आपको क्या लगता है उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या था? तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट उनकी ऑफलाइन प्रेजेंस थी संदीप, अगर आपको याद रहेगा कि वीवो ने सैमसंग को टक्कर दे दी थी ऑफलाइन प्रेजेंस में, और एक स्टेज तक तो कुछ एनालिस्ट के अकॉर्डिंग तो सैमसंग से आगे हैं ऑफलाइन में वीवो, तो वो उन्होंने काफ़ी हद तक मेंटेन करके रखा है, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑफलाइन प्रेजेंस। और आईको को जैसे नंद गोपाल ने कहा था एकदम सही किया अब्जॉर्ब करके, क्योंकि अगर आपको याद होगा पहले इनकी एक जेड सीरीज थी जो केवल ऑनलाइन ऑनली थी, उसकी जगह अब आईको आ गया, तो आईको इज द ऑनलाइन ऑनली ऑप्शन। तो एक है कि आपका स्ट्रॉन्ग ऑफलाइन है और ऑनलाइन भी आपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड लगा दिया, तो अगला साल मुझे लग रहा है बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे ये लगता है कि इन लोग का जो मिड रेंज सेगमेंट था 15,000 से 30,000 और 30,000 से लेकर 35,000, इस साल इन लोग ने काफी ज्यादा उसको मजबूत करने की कोशिश की, बहुत सारी डिवाइसेस लेकर आए इसी सेगमेंट में, IQ ब्रांडिंग के साथ भी और साथ ही साथ Vivo ब्रांडिंग के साथ। तो मेरे हिसाब से ये जो सेगमेंट था इसमें जो मजबूती की ये उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। निमिष आपको क्या लगता है Vivo IQ का इस साल का नेगेटिव पॉइंट क्या रहा होगा? नेगेटिव पॉइंट ये रहा कि संदीप की एक तरह से यादगार डिवाइस बहुत कम निकली। अब अगर आपने नंबर लिखने में देखा होगा डिवाइसेज लॉन्च काफी हुई थी, लेकिन इनकी एक नई स्ट्रेटेजी आ गई कि जो लॉन्च कर रहे थे जिसे हम लोग सॉफ्ट लॉन्च करते हैं कि बाजार में आ गया तब आपको पता चला कि चलिए ये बाजार में है जी, ये स्ट्रेटजी इन्होंने फॉलो की। तो अगर आप देखा जाए इनके बड़े फ्लैगशिप्स को छोड़ करके, तो जैसे मिड सेगमेंट में हमको पता है सैमसंग के फोन कौन से, हमको पता है रियलमी के फोन कौन से, रेडमी के फोन कौन से, वीवो और आईको के फोन कौन से हैं इतना नोटिबली हम लोग को पता नहीं है। तो मुझे लगा विजिबिलिटी एक हल्की सी इशू है, लेकिन ऑफलाइन बिजनेस जबरदस्त है। राइट राइट, नंदू आपको क्या लगता है सबका मिस क्या है? नहीं, मैं भी निमिष से एग्री करूंगा और मुझे लगता है शायद इसमें थोड़ा स्ट्रैटेजी भी है। देखो मार्केट में बहुत सारे प्रेशर्स हैं, ऑफलाइन ऑफलाइन हैवी ब्रांड है वीवो, उसमें आप अभी भी किसी ब्रांड से पूछोगे वो प्री पैंडेमिक लेवल पे सबका ऑफलाइन प्रेजेंस वापस नहीं आया है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या एकदम दमदार फोन उनको निकालना चाहिए या थोड़ा वेट करके देखें कि अगले साल जब तक थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा और ऐसा फोन आएगा जिसपे अगर मार्केटिंग डॉलर्स डालेंगे तो उसका इम्पैक्ट होगा। तो वो लग रहा है कि इस साल थोड़ा सा उन्होंने डिफेंसिव खेला है। राइट, और नंदू निमिष मुझे लगता है कि इस साल जैसे कि हमने देखा कि उन लोगों ने ऑफलाइन में अपने आप को मजबूत करने की कोशिश की, आईको भी बहुत सारे फोन लेकर आया, लेकिन एक चीज जो मिसिंग ये लग रही थी कि दोनों के दोनों ब्रांड एक ही प्राइस सेगमेंट में एक दूसरे को कम्पीट कर रहे थे। अगर वीवो ने थोड़ा बहुत सिंस वो ऑफलाइन पे ज्यादा फोकस कर रहा था, बजट फोन अंडर 15,000 में सेगमेंट में किया होता तो उनका शायद थोड़ा और बेटर रीच आता, क्योंकि उस सेगमेंट में काफी ऑफलाइन में भी फोन खरीदा जाते हैं और इधर कम्पीट होते जाता वीवो और ऊपर से आपका आईको, एक ही प्राइस सेगमेंट में फोन्स आए जा रहे थे। तो फ्रेंड्स अब रुक करते हैं अगले सेगमेंट की ओर, जहां पर हम बात करेंगे टॉप 3 डिवाइसेस फ्रॉम आईक्यू प्लस वीवो। सो फ्रेंड्स टॉप 3 डिवाइसेस के बारे में बात करने से पहले एक बार हम बात कर लेते हैं वेस्टर्न डिजिटल से और उनसे कुछ पूछते हैं। ये आजकल बहुत सारे कैमरा जो आ रहे हैं, मतलब मोबाइल में कैमरा आ रहे हैं, बहुत ही ताबड़तोड़ है, बहुत ही मस्त है, बहुत बढ़िया फोटोग्राफ खींचते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में स्टोरेज का इशू आता रहेगा। क्या आप लोग के पास कोई ऐसा सोल्यूशन है जो ट्रैवलर्स और फोटोग्राफर्स को काफी इंप्रेस करेगा? हाँ बिल्कुल संदीप, अगर आप आजकल के फोन देखें, आपने सही बताया कि उनकी जो केपेबिलिटीज हैं बहुत बहुत एनहांस हुई है। प्राइमरीली अब फोन्स एक प्राइमरी डिवाइस बन चुके हैं, जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो हमने अपने फोन्स को ही यूज करते हैं कंटेंट क्रिएट करने के लिए, वो मेमोरीज क्रिएट करने के लिए। आप जब मैं इस सवाल का दो सेगमेंट्स में जवाब दूंगा, आप जब फोन्स को देखते हैं तो फोन्स आप चाहे एंड्रॉयड यूज कर रहे हो या iOS यूज कर रहे हो, हमारा ड्यूअल ड्राइव प्रोडक्ट सेगमेंट जो है वो इन उन दोनों सेगमेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से कैटर करता है। ड्यूअल ड्राइव एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप अपने फोन में डायरेक्टली अटैच करके अपने फोन का बैकअप ले सकते हैं, चाहे फिर आप कितनी भी कैपेसिटी कंज्यूम करें अपने फोन की या कंटेंट क्रिएट करें अपने फोन से, ड्यूअल ड्राइव 1 TB तक अवेलेबल है जो आप अपने फोन में कनेक्ट करके बैकअप ले सकते हैं अपने फोन का। जहां तक आप फोटोग्राफी प्रोफेशनल्स की बात करते हैं, उनके हाई एंड कैमरास और डिजिटल SLRs वगैरह जो वो यूज करते हैं, उस सेगमेंट के लिए हमारा एक्सटर्नल SSD का जो पोर्टफोलियो है हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर प्रोडक्ट लाइन, बिकॉज इन प्रोफेशनल्स को
इन फोटोग्राफर्स को एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो इन्हें अलाउ करे बहुत फास्ट स्पीड पे जो जो पिक्चर्स ये क्रिएट करते हैं अपने फोन से एक एक्सटर्नल डिवाइस में ट्रांसफर करने के लिए. और हमारा एक्सटर्नल एसएसडी पोर्टफोलियो जो है वो बहुत सिग्निफिकेंटली हेल्प करता है इन फोटोग्राफी प्रोफेशनल्स को कंटेंट जहां तक कंटेंट बैकअप का ताल्लुक है. सो फ्रेंड्स, अगर बात करें कि टॉप थ्री डिवाइसेस कौन सी थी वीवो प्लस आई क्यू की, तो नंबर तीन पे हम लोग के हिसाब से है Z3 5G. ये एक ऐसा फोन था जो 5G वाला फोन आया था. वो दूसरी बात है 5G भी हिंदुस्तान में आया नहीं, कब आएगा उसका इंतजार सबको चल रहा है, हमारा भी चल रहा है, आपका भी चल रहा है. लेकिन 20,000 रुपए से कम में डिवाइस लॉन्च हुई मार्केट में. उससे क्या हुआ कि डिवाइस काफी अच्छी थी, पावरफुल थी, इंटरेस्टिंग थी, कोई मेजर बग्स नहीं थे इसमें. और ये उस सेगमेंट में दस्तक दे रहा था जहां पर रियलमी और शाओमी अपने आप को काफी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और सैमसंग भी, और ऐसे में टक्कर भी दी और डिवाइस भी अच्छा लाया. निमिश, नंबर दो पे कौन सी रहेगी डिवाइस? मेरे सर संदीप, नंबर दो पे रहेगी आईक्यू 7 लेजेंड. जो आईक्यू का अगर आप देखिएगा, पिछले साल जब लॉन्च हुआ था, पिछले साल लॉन्च हुआ था तो गेमिंग जोन में लॉन्च हुआ था. 7 लेजेंड जो है उसमें गई गेमिंग के काफ़ी टचेस हैं. स्नैपड्रैगन 8 प्रोसेसर था, डिज़ाइन काफ़ी अनोखी सी थी, पीछे एक स्ट्राइप सी थी, रेसिंग जो कार्स वार्स को याद दिलाती है उसमें भी. और सबसे बड़ी बात ये थी इसका दाम ज़बरदस्त था, 40,000 रुपये के आसपास में आपको स्नैपड्रैगन 8 प्रोसेसर मिल रहा था. तो मेरे अनुसार तो नंबर दो पे 7 लेजेंड होगा. राइट, नंबर वन पे कौन सी डिवाइस रहेगी? मुझे लगता है उनका X70 Pro Plus, बिकॉज ये थोड़ा फ्लैगशिप स्पेस में एक बहुत अच्छा फ़ोन है. कैमरा बहुत बढ़िया है और अगेन प्रोसेसिंग पावर बहुत अच्छा है. तो यू नो वीवो थोड़ा सा उस सेगमेंट में मूव कर रहा है जहाँ पे एक गैप है, या ऐसा गैप है जहाँ पे यू नो सैमसंग ज़्यादा काफ़ी टाइम से स्ट्रांगली बैठा हुआ है. बिल्कुल बिल्कुल. और यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल के आई हमारी टॉप थ्री डिवाइसेस में. वीवो ब्रांडिंग के साथ खाली एक ही डिवाइस लिस्ट में आया और दो डिवाइसेस आई आईक्यू की. इंटरेस्टिंग है, अगले साल देखते हैं कैसा ये सिस्टम बनता है, क्या आईक्यू ऐसी पोजीशन मेंटेन कर पाता है कि नहीं कर पाता, या वीवो आईक्यू कहता है भैया थोड़ा नीचे आ जाए, मैं बड़ा भाई हूँ, मेरे एक और डिवाइस आना चाहिए इस लिस्ट में. तो फ्रेंड्स, बस इतना ही आज के इस वीडियो में. मुझे नंद गोपाल राजन, निमिष को दीजिए इजाजत, जल्दी मिलते हैं एक और रिपोर्ट कार्ड में. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा.